आज हम बात कर रहे हैं डिपेंडेंट कॉम्बो बॉक्स। आप वीवी माइक्रो प्रोग्रामिंग में अगर आप यूजर फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, यूजर फॉर्म में मुझे अगर डिपेंडेंट कॉम्बो बॉक्स का इस्तेमाल करना हो तो कैसे करेंगे? डिपेंडेंट कॉम्बो बॉक्स, एक कॉम्बो बॉक्स से दूसरा डिपेंडेंट हो। चलिए वन बाय वन हम इसको करते हैं। सबसे पहले एक यूजर फॉर्म ने डिफाइन कर दिया और यहाँ हम कैप्शन में यूजर फॉर्म के जगह पे हम लिस्ट के नाम से बनाते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम एक अपना कॉम्बो बॉक्स सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ देते हैं नेम, यहाँ लिखते हैं सेलेक्ट। क्लिक करते हैं, छोटा हो जाएगा, इसको अपने हिसाब से अरेंज कर देते हैं। तो अब मैं चाहता हूं कि इसमें हमारा नेम लिस्ट आ जाए, बट प्रॉब्लम क्या है कि यहां पे बहुत सारे नेम अवेलेबल है, रिपीटेड है। तो मैं, क्योंकि मैं जब कॉम्बो बॉक्स में चाहूंगा तो यूनिक ही नेम चाहूंगा ना, वैसा थोड़ी कि यहां पे पूजा 10 बार है तो 10 बार आ जाए, या पूजा 1 बार आना चाहिए। तो दो तरीके, एक आप अलग से कॉम्बो बॉक्स तैयार कर लें। अगर अलग से कॉम्बो बॉक्स तैयार नहीं कर पा रहे हैं, आप चाहते हैं कि अलग से मुझे कॉम्बो बॉक्स का लिस्ट तैयार नहीं करना है रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन यूज करके, तो उसके लिए आपको कोडिंग करनी पड़ेगी। इसलिए मुझे यहाँ पे इनिशियलाइज पे जाके कोडिंग करना होगा। तो मैं यहाँ पे इनिशियलाइज पे आता हूँ और यहाँ देता हूँ कि डिम डी टी या नेम कर दीजिए एन एम एज ए न्यू कलेक्शन। न्यू कलेक्शन जो है डेटा टाइप है, बस इसकी खासियत है कि ये डुप्लीकेट एक्सेप्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे हम देते हैं कि 4i = चले 1 to रेंज 65000.and\up.show। वन से नहीं, मैं 2 से कर देता हूँ, 2 से रहेगा तो बेटर रहेगा। और यहाँ नीचे मैं करता हूँ नेक्स्ट आई, उसके बाद यहाँ करते हैं dt.nm.add। लेकिन यहाँ पे खासियत की एक ही का, मतलब कि एक ही की का होना चाहिए, तो मुझे आइटम चाहिए यहाँ पे रेंज A के साथ हमने I को लिया डॉट वैल्यू। ओके, और फिर वापस हमें इसको लेना है कॉमा करके, इसको CSTR के अंदर में, स्ट्रिंग के अंदर में इसको पेस्ट कर दीजिए। वन बाय वन इसमें ऐड होगा और जो ऐड नहीं होगा वहां पर एरर दिखाएगा। तो यहां हमें एरर हैंडलिंग के लिए देना है ऑन एरर रिज्यूम। सारे के सारे जो नेम है वो यहां ऐड हो गया यूनिकली। जैसे डुप्लीकेट आएगा एरर दे देता है, तो वो एरर को इग्नोर करके आगे बढ़ जाएगा। अब यहां पे हम उसको लिस्ट बॉक्स पे डालना है, तो यहां देते हैं कि 4 आइटम इन डी टी नहीं सर एन एम और यहां पे हम करेंगे मी डॉट कॉम्बो बॉक्स 1.add आइटम और इसमें हम दे देंगे आइटम। और यहां पे नेक्स्ट अब इससे क्या होगा, जब मैं अपनी यूजर फॉर्म को प्ले करूंगा तो आप देखिए इसमें हमारा यूनिक नाम का लिस्ट आ गया। अब मुझे अगला क्या करना है, अब मैं इस पर कॉम्बो बॉक्स भी ले सकते हैं आप, लेकिन मैं कॉम्बो बॉक्स ना लेके मैं यहाँ पे लिस्ट बॉक्स ले लेता हूँ, एक कॉम्बो बॉक्स ही लेता हूँ, माफ कीजिएगा, मैं लिस्ट बॉक्स बाद में लूंगा, मैं एक और कॉम्बो बॉक्स लेता हूँ यहाँ पे, इसके लिए सिटी के लिए। तो यहां हम इसका हेडिंग देते हैं सिलेक्ट सिटी।
मैं चाहता हूं कि जब मैं इसमें जो नाम सेलेक्ट करूं उसका जो डेटा है यहां सिटी में आना है। बट यहां भी एक प्रॉब्लम है, अगर आप मान लीजिए कि अगर आप पूजा यहां इसमें अमर को सेलेक्ट करते हैं तो अमर में सिटी देखिए यहां रिपीटेड है, तो मेरे लिस्ट बॉक्स में बस इसकी यूनिक जैसे पटना और न्यू दिल्ली है तो पटना और न्यू दिल्ली ही आना चाहिए, बाकी सिटी नहीं आना चाहिए। तो जो मैंने इनिस्लाइट में यहाँ लगाया है, ये जो लगाया है इसी को मैं कॉपी करता हूँ, लेकिन इस बार मैं यहाँ पे यूजर फॉर्म की इनिस्लाइट में नहीं, कॉम्बो बॉक्स वन के चेंज पे लगाऊंगा। यहाँ मैंने इवेंट को चेंज कर दिया, क्यों चेंज करना जरूरी है इसमें, क्योंकि कॉम्बो बॉक्स में जब सिलेक्ट होगा तब कॉम्बो बॉक्स टू पे इफेक्ट होगा, तो यहाँ भी हमें सेम चलना है, बस एक की जगह पे यहाँ बी कर देते हैं, एक की जगह पे बी, और इसमें हम एक कंडीशन देंगे, वन की जगह पे टू कर दिया, इसमें कंडीशन ऐड करना होगा। भाई ये ऐड करने वाला प्रोसीजर तभी चले जब कॉम्बो बॉक्स टू और हमारा सेल इसका मैच हो। तो यहाँ कंडीशन देता हूँ कि मी डॉट कॉम्बो बॉक्स वन डॉट वैल्यू इज इक्वल टू रेंज ए के साथ हमने आई लिया और हमने दिया डॉट वैल्यू डैम और फिर यहां पे हम एंड इफ करते, बाकी जो है जो जैसा है वो सेम उसी तरह से रहेगा। अब यहाँ पे देखिए, अब मैंने यहाँ पे पूजा सेलेक्ट किया तो यहाँ देखिए पूजा का पुणे और नागपुर दिख रहा है, जैसे मैं ये नीरज सेलेक्ट किया तो यहाँ देखिए नीरज का पुणे और नागपुर। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम देखिए, पुणे और नागपुर पूजा का था और जैसे मैं नीरज किया तो उसका जयपुर उदयपुर इसमें ऐड हो गया। अगर मान लीजिए इसमें मैं मोहन करूँ तो यहाँ पे देखिए अब 6 दिखाएगा। तो होता है क्या है कि ये जो प्रीवियस जो कुछ बोल रहे हैं सर, जो प्रीवियस रिकॉर्ड होता है उसको क्लीन नहीं करता है। तो इस जो यहाँ चेंज की कोडिंग किए हैं, तो चेंज की कोडिंग जो हमने यहाँ पे किया हुआ है एड आइटम की, इसमें हम बोल देते हैं मी डॉट कॉम्बो बॉक्स टू डॉट क्लियर, ठीक है, तो प्रीवियस रिकॉर्ड को पहले क्लियर करें देन नया रिकॉर्ड डालें। अब इसको प्ले कीजिए और यहां पे आप जैसे मैंने पूजा सेलेक्ट किया तो यहां पे आपको दो आ गए। अब यहां पे मैं नीरज सेलेक्ट कर रहा हूं तो यहां पे देखिए नीरज के ही आ रहे हैं, ओके ये हो गया। अब इसमें मान लीजिए ये हो गया दो, तो दो को मैं कम कर दिया। अब मुझे इसका डेटा चाहिए इस तरह से जैन से लेके जून तक का, एक तरह से फिल्टर सिस्टम हम बनाने जा रहे हैं। कॉपी करके हम वैल्यू पेस्ट कर देते हैं। अब हम चाहते हैं अतीश जी, मैं रिकॉर्डिंग की परमिशन दे दिया आपको। अब इसमें मैं चाहता हूं कि ये लिस्ट मुझे मुझे मेरे यूजर फॉर्म पे दिखे पूरा इसका डेटा, चाहे वो एक बार हो चाहे वो 10 बार हो, इसमें यूनिक नहीं है, ठीक है। तो यहां हम थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं, बड़ा करने के बाद हम यहां से लिस्ट बॉक्स लेते हैं। अब मुझे सिर्फ नेम और सिटी नहीं चाहिए, मुझे जैन से फैब का ही डेटा चाहिए, जैन से फैब का डेटा चाहिए। तो कितने कॉलम का डेटा चाहिए? 6 कॉलम का डेटा चाहिए।
तो सिक्स कॉलम के डेटा लेने के लिए मुझे जो हमने लिस्ट बॉक्स लिया है वो लिस्ट बॉक्स का यहाँ कॉलम काउंट जो दिख रहा है उसको मुझे सिक्स करना होगा। पहली चीज, अब मैं इसमें या मैं इसमें डेटा कब चाहता हूँ, जब ये चेंज हो, तो इसके लिए हमने यहाँ पे किया राइट। तो मुझे यहाँ पे एरे डिफाइन करना होगा, तो मैं एस्टिमेट लगाता हूँ कि मेरा डेटा में मान लीजिए कि 100 नंबर ऑफ 100 के आसपास डेटा होंगे। तो यह करता हूँ कि dim dt 1 to 100 और कॉमा 1 to 6, हमने इसको डिफाइन कर दिया। अब मुझे यहां 4i = चले 1 to 1 2 और हमने ऊपर जो दिया है रेंज के लिए रो का चल रहा है तो हमने ले लिया कि यहां तक चल। डॉट एक मिनट, हमने गलत ले लिया, हमें ये वाला लेना चाहिए था। नेक्स्ट आई, अब यहां पे कंडीशन देना है इफ मी डॉट कॉम्बो बॉक्स 1 dot value इज इक्वल टू रेंज ए के साथ हमने आई को कंबाइन किया डॉट वैल्यू, और वापस इसमें एंड लगेगा क्योंकि मुझे दो कंडीशन मैच करने हैं। तो दो कंडीशंस मैच करने हैं तो हमें यहाँ पे इसको वापस कॉपी करके हम यहाँ पेस्ट करेंगे और इसमें हम कॉम्बो बॉक्स 2 को डालेंगे और यहाँ ए के जगह पे हम बी को डालेंगे और फिर वापस डैन यहाँ लिखते हैं। ऐसा हुआ तो डी टी आर कॉमा सी इक्वल टू रेंज नहीं हुआ सेल हुआ यहाँ पे सेल्स आर कॉमा सी नहीं नहीं इसमें होगा आई कॉमा सी डॉट वैल्यू सी इसमें नहीं होगा यहाँ पे, हाँ सी होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देंगे आर इक्वल टू आर प्लस 1 ओके, और यहाँ पे देंगे 4 C equal to 1 to 6, 6 कॉलन है इसलिए 6 बार यहाँ पे देना होगा। फिर नेक्स्ट C ओके, तो सारे के सारे जो डेटा है वो कहाँ चला जाएगा, वो DT के ऊपर स्टोर हो जाएगा। आफ्टर दैट सारा डेटा स्टोर हो जाएगा DT पे, तो यहाँ लिखेंगे मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 dot list इक्वल टू DT। अब इसको एक बार प्ले करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे राजा लिया और मैंने यहाँ पे लिया पुणे विदाउट 4 ओके। मैंने गलती है मैंने यहाँ पे एंड इफ नहीं किया। इसलिए दिक्कत आ गया, आ गया सर। अब यहाँ पे दिक्कत है कि ये जो है पुणे पुणे ले रहा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे,
हमने एक छोटी सी गलती कर दी, यहाँ पे सी कर दिया, तो सी में हम यहाँ पे वन टू छोड़ के थ्री से करते, तो थ्री टू हम यहाँ पे थ्री टू एट करते हैं, थ्री टू एट यहाँ पे जहाँ हमने ये दिया है ना, थ्री टू एट, ये तीसरे से स्टार्ट है डेटा हमारा, इसलिए और यहाँ पे मैंने पुणे सेलेक्ट किया, ठीक है हो गया। नहीं, यहाँ यहाँ मुझे सिक्स ही नहीं, थ्री टू वन टू सिक्स ही रहने लगा, क्योंकि ऊपर एरे हमारा डिफाइन है ना, इसलिए। तो यहाँ जो होगा सी प्लस टू होगा, छोटा सा गलती हो गया, अब सही है। पूजा और यहाँ पे पुणे, अब क्या आ गया दिक्कत? जरूरी, आप डिफाइन कर लीजिए, लेकिन जरूरी नहीं है डिफाइन करना, बाय बाय वो वेरिएंट हो जाता है ना, तो मैंने कई बार बताया मैंने आपको, तो देखिए आ गया। आप बोलेंगे सर इसमें हेडिंग नहीं आया हुआ है, नहीं आया ना हेडिंग सर, तो हेडिंग नहीं आया तो उसके लिए हमें स्टार्टिंग में ही इनिशियलाइज करते समय, जब इनिशियलाइज होगा उसी समय हमें करना होगा इसको, यहाँ डी टी जो हमने शुरुआत में हमने लिया ना सर, तो यहाँ पे हम सिंपल सा कर देते हैं डी टी, लूप लगा देते हैं कि फोर आई इक्वल टू चले 1 2 6, आई नहीं इसके जगह पे मैं कर देता हूँ ओ, इक्वल टू 1 2 6, और हम करते हैं यहाँ पे डी टी 1, ओ इक्वल टू सेल्स रो नंबर 1 कॉलम नंबर ओ प्लस 2 डॉट वैल्यू। और यहाँ आर, यहाँ पे आर इक्वल टू 1 आ गया ना, तो यहाँ पे हम आर इक्वल टू पहले से 1 दे देते हैं, क्योंकि दूसरे नंबर से तब स्टार्ट होगा ना। तो अब क्या होगा कि आपका हेडिंग हमेशा फिक्स रहेगा इसमें, आ गया जेन 5 मार्च हेडिंग है। ये था हमारा डिपेंडेंट कॉम्बो बॉक्स, कि हम अपने हिसाब से अपनी लिस्ट यहाँ पे लेके आ सकते, ठीक है? देखिए मैं आपको समझाता हूँ, शुरू से समझाता हूँ। सही, इसमें क्या है, हमें इसमें तीन चीजें मैंने किया है। पहला हमने किया है कि जब हमने जब मैं फॉर्म जब जब फॉर्म इनिशियलाइज हो, जब फॉर्म ओपन हो, तो जो कॉलम ए है हमारा, इस कॉलम ए का यूनिक लिस्ट यहाँ पे आए, राइट? तो इसके लिए हमने क्या किया है, हमने फॉर्म इनिशियलाइज पे, ये देखिए यूजर फॉर्म इनिशियलाइज दिख रहा है, यूजर फॉर्म इनिशियलाइज पे हमने कोडिंग किया। अब कोडिंग के लिए हमने यूज किया था न्यू कलेक्शन का, और ये मेथड मैंने आपको पिछले क्लासेस में समझा चुका हूँ, आई थिंक आपको पहले से आता होगा ये, ठीक है? न्यू कलेक्शन, हाँ न्यू कलेक्शन, न्यू कलेक्शन जो है अपने अंदर जो डेटा रखता, कई सारे डेटा एक्सेप्ट करता है बट यूनिक एक्सेप्ट करता है, अगर डुप्लीकेट हुआ तो एरर देता है, इसलिए हमने ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट किया हुआ है, और सारा का सारा इंफॉर्मेशन वो अपने अंदर रखता है, फिर मैं वहां से कॉम्बो बॉक्स पे ऐड कर लिया। सर इसके बारे में तो मैं प्रीवियस क्लासेस में समझा चुका हूं ना सर, अब भूल गए? नहीं, इससे पहले मैंने फंक्शन बताया, नहीं
न्यू कलेक्शन एक डेटा टाइप है, सिंपल बात समझिए। आप स्ट्रिंग लेते हैं, रेंज लेते हैं ना, स्ट्रिंग लेते हैं, लॉन्ग लेते हैं, इंटीजर लेते हैं, उसी तरह का डेटा टाइप है। बट ये अपने अंदर एक वैल्यू नहीं, मल्टीपल वैल्यू ऐड करता है। जब आप यहाँ पे देखिए, सिंपल सा आर इक्वल टू वन करते हैं तो क्या होता है, वन स्टोर हो गया आर पे। आर इक्वल टू अगर फाइव करते तो क्या होगा, वन को रिप्लेस करके फाइव डाल देगा। बट न्यू कलेक्शन वन को भी कैरी करेगा और फाइव को भी कैरी करेगा, समझ गए। बट वो दोबारा अगर वन डालेंगे इसमें तो एरर आएगा। तो यही चीज मैंने यहां पे किया कि हमने सारे नंबर यहां पे डाल दिए, लेकिन जैसे ही उसको डुप्लीकेट मिलेगा, एक नाम डबल मिलेगा, वो ऐड ना करके एरर देगा और रिज्यूम नेक्स्ट क्या करेगा, इसको स्किप करके अगली वैल्यू पे कर चला जाएगा और सारी वैल्यू एनएम पे स्टोर हो जाएगी। वापस एनएम से फोर इंच की मदद से यहां पे कॉमा बॉक्स में डाल देंगे, समझ गए। अब इसमें अगला ऑप्शन हमारा आता है, वो आता है कि कॉमा बॉक्स टू पे भी सेम चीज डाल ली है, लेकिन हम उसी करना उसी से वही सेम सिटी डालेंगे जो सिटी जो नेम सिलेक्ट हुआ है। तो उसके लिए हमने सब कुछ सेम कोड रखा, हमने यहाँ पे कंडीशन डाल दिया कि कॉम्बो बॉक्स वन की वैल्यू इक्वल टू हमारे लूप की वैल्यू है रेंज आई, तभी वो ऐड वाला प्रोसीजर को चलाए, अदरवाइज ऐड वाले प्रोसीजर को ना चलाए, समझ गए। तो क्या हुआ कि जो नेम सेलेक्ट करूंगा उस नेम के सामने जो जो सिटी होगा उसी का लिस्ट दिखाएगा, वो भी यूनिक, डुप्लीकेट नहीं। अब मुझे जैन से लेके जून तक का डेटा है, वो मुझे लिस्ट बॉक्स में शो करना है। अब क्या है कि अगर सिंगल कॉलम का डेटा होता तो जो ऐड वाला मेथड है, मैं ऐड वाला मेथड चला देता, लेकिन इसमें मल्टीपल कॉलम है। तो लिस्ट बॉक्स डिजाइन करते समय सबसे पहले मैंने कॉलम जितने उतने कॉलम यहां पे फिक्स कर दिए, उसके बाद हमने यहां पे एक एरर लिया क्योंकि न्यू कलेक्शन डुप्लीकेट वैल्यू रखता नहीं, इसलिए यहां पे मुझे एक एरर लेना पड़ा जिसमें मैंने डिफाइन कर दिया 100 रो एंड 6 कॉलम। पहले पहले रो पे हमने क्या पहले रो पे क्या कर दिया हमने हमने उसकी हेडिंग असाइन कर दी, ठीक है। उसके बाद वन बाय वन डेटा जो कि ए कॉलन में कॉम्बो बॉक्स वन और बी कॉलन में कॉम्बो बॉक्स टू से मैच करता है, उसको हमने वन बाय वन डी टी पे स्टोर कर दिया, ठीक है। और डी टी पे सारी वैल्यू स्टोर हो गई है, उसको वापस हमने दे दिया लिस्ट बॉक्स पे, क्लियर है, समझ में आया कि डाउट है इसमें। ये फाइल तो मैं आपको नहीं भेजूंगा, लेकिन इसकी कोड मैं आपको भेजूंगा क्योंकि फाइल भेजने पे फिर आप लोग अपने हिसाब से डेटा नहीं बनाएंगे, सो मैं आपको इसका कोड भेज देता हूं रेफरेंस के लिए, ठीक है सर। तो कल हम बात करेंगे आपके साथ कि यहां पे हमारा लिस्ट बॉक्स आया, देखिए यहां पे देख लीजिए, कल भी बहुत अच्छी चीज में पढ़ाऊंगा। यहां पे लिस्ट बॉक्स आया, मैंने यहां पे सिलेक्ट किया नीरज और मैंने यहां पे सिलेक्ट किया पुणे पटना, तो मुझे सारे डेटा यहां दिख गए। अब मान लीजिए मुझे इस डेटा को चेंज करना है, 90 है, 61 है, 51 है, 72 है, 74 है और 52 है, मुझे 52 को चेंज करना है, तो मैं इस पे एक और तरीका बनाऊंगा कि मैं जस्ट इस पे डबल क्लिक करूंगा तो मुझे एक यूजर फॉर्म में आ जाएगा जहां पे पूरी डिटेल होगी और मुझे सिर्फ उसका डेटा चेंज करने की परमिशन देगा, ओके। चलिए तो अगली क्लास में मिलते हैं, सेम टाइम, ओके, बाय।